भागो भागो, वो आ गई किचकंडी, भागो सब अपनी जान बचाओ। यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सब मरोगे। किचकंडी कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही है। मैं यहीं पर हूँ तुम लोगों के आसपास। यदि अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। अरे भाइयों, घबराओ नहीं, हमारे गांव में कोई किचकंडी नहीं है। मुझे लगता है कोई हमें जानबूझ के डराना चाहता है। यदि ऐसी बात है तो वो कौन है जो हमारी तरफ आ रही है? अरे वो किचकंडी नहीं है, कोई इंसान है। रुको, अभी मैं उसे पकड़ कर यहाँ लाता हूँ। वह व्यक्ति धीरे धीरे किचकंडी के पास जाता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो कोई इंसान लग रहा है। अरे ये कोई किचकंडी नहीं है, तुम लोग डरो मत। जैसे ही वह व्यक्ति किचकंडी से ना डरने की बात कर रहा था, तभी किचकंडी उसका सर काट देती है। भागो भागो, किचकंडी यहाँ आ गई है, हमें यहाँ से भागना होगा। किचकंडी को देखकर सभी गांव वाले पूरी रात इधर उधर भागते रहते हैं। कुछ समय बाद रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। अरे भाइयों, ऐसा कब तक चलेगा? हमारे गांव के कई लोग यहाँ से भाग चुके हैं। सुनो भाइयों, उस किचकंडी ने हमारे गांव के एक और सदस्य को मार दिया। उसकी लाश जंगल में दिखा है। क्या हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो जो भी गांव वाले यहाँ बचे हैं वह सब मारा जाएगा। अरे भाइयों, भूत वूत कुछ नहीं होता है, सब बकवास वाली बातें हैं। तुम ये सब मत बोलो, यदि किचकंडी तुम्हारी बातें सुन ली तो तुम भी मारे जाओगे। मैं नहीं मानता किसी किचकंडी को। हे भगवान, हमारी गांव को किसकी नजर लग गई है? किचकंडी के कारण सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि पिछले एक साल से गांव में कोई ना कोई मारा जा रहा था। तुम सब घबराओ नहीं, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उनकी मदद से हम सब किचकंडी को भगा देंगे। गुप्ता जी, आज तो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मिश्रा जी, बोर तो मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन क्या किया जाए? गुप्ता जी, क्यों ना हॉरर गेम्स खेला जाए? हाँ मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए हॉरर गेम खेलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी पीसी में हॉरर गेम खेलने लगते हैं, लेकिन तभी गुप्ता जी के मोबाइल में बाबा का फोन आता है। हाँ बाबा। ठीक है बाबा, मैं और मिश्रा जी आपके पास आते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी? मिश्रा जी, बाबा हमें जल्द से जल्द आश्रम बुला रहे हैं। अचानक बाबा इतनी रात को हमें आश्रम क्यों बुला रहे हैं? मिश्रा जी, वो तो मुझे भी नहीं पता है, अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा ना। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत आश्रम की तरफ चल देते हैं। कुछ ही समय में दोनों आश्रम पहुँच जाते हैं। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम आ गए, मैं एक काम सौंप रहा हूँ, उसे पूरा करना है तुम्हें। कैसा काम है बाबा, हमें बताएं। गुप्ता जी, इनसे मिलो, ये है मुच्छर सिंह, और मुच्छर सिंह ये है गुप्ता जी और मिश्रा जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। बाबा, ये दोनों तो छोटे बच्चे हैं, क्या ये हमारी मदद कर पाएंगे? मुच्छर सिंह, ये बच्चे नहीं, ये दोनों बहुत ही खूंखार जानवर है। गुप्ता जी, हम दोनों खूंखार जानवर हैं क्या? अरे मिश्रा जी, बाबा हमारी तारीफ कर रहे हैं, तुम चुप रहो। मुच्छर सिंह, तुम घबराओ नहीं, ये दोनों जंगली छछुंदर है, उस किचकंडी का ये दोनों खून पी जाएंगे। गुप्ता जी, इस बार बाबा हमें जंगली छछुंदर बोल रहे हैं। अरे मिश्रा जी, बाबा हमारी तारीफ कर रहे हैं, तुम समझते क्यों नहीं हो? चुप बैठो। बाबा मुच्छर सिंह की समस्या गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताते हैं कि किस प्रकार से पूरा गांव वाले किचकंडी से परेशान है। गुप्ता जी और मिश्रा जी,
किचकंडी का अंत करके इन लोगों की समस्या दूर करो। ठीक है बाबा, मैं और मिश्रा जी उसका अंत जरूर करेंगे। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को चमत्कारी शस्त्र देखकर मुच्छर सिंह के साथ जाने को आदेश देते हैं। उधर गांव के लोग सब डरे हुए रहते हैं कि आज रात किचकंडी किसे मारेगी। किचकंडी से बचने के लिए सभी लोग शाम होते ही अपने घर में सो जाते हैं। रात के एक बजते ही एक बच्चे को जोर की आती है, इसलिए बच्चे की नींद टूट जाती है। पापा पापा उठो, मुझे जोर की आई है, पापा उठो। बच्चे की आवाज सुनकर उसके पापा उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी रात में चिल्ला रहे हो? पापा मुझे जोर की आई है, मेरे साथ नहर चलो। अरे तुम इतनी ज्यादा क्यों खाते हो जिसके चलते रात में जोर की लगती है, चलो अब नहर के पास। बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए उसके पापा नहर की तरफ जाने लगते हैं। हे भगवान, कहीं किचकंडी ना दिख जाए वरना मारे जाएंगे। बच्चे को टॉयलेट ले जाते समय उसे रास्ते में एक बाइक दिखाई पड़ती है जो इन दोनों के पास आ रही होती है। लगता है कोई इधर ही आ रहा है, लेकिन कौन हो सकता है इतनी रात में। बाइक जैसे ही उन दोनों के नजदीक आता है तो वह देखता है कि बाइक चलाने वाला कोई नहीं है। बाइक में कोई इंसान को ना देखकर बाप बेटा की हालत खराब हो जाती है। बेटा नहर आ गया है, जाओ जल्दी टॉयलेट करके आओ, तब तक मैं यहीं पर हूँ। बच्चा टॉयलेट करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसका पापा को बहुत डर लग रहा था। हे भगवान, हमारी रक्षा करना, कहीं किचकंडी हमारे पास ना आ जाए। कुछ समय बीतने के बाद वह बच्चा वापस आ जाता है। पापा चलिए घर वरना किचकंडी आ जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। दोनों जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन उसे क्या पता किचकंडी सब देख रही थी। तभी किचकंडी के हंसने की आवाज दोनों को सुनाई पड़ती है। पापा रुको, आगे कोई है। बच्चे की बात सुनकर उसके पिता ध्यान से आगे देखते हैं तो उसे किचकंडी दिखाई पड़ती है। बेटा आगे किचकंडी है, भागो यहाँ से। बाप और बेटा अपनी जान बचाने के लिए किचकंडी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किचकंडी दोनों का पीछा करने लगती है। किचकंडी से बचने के लिए बाप और बेटा भागते भागते थक जाते हैं और बाप वहीं नीचे गिर जाता है। पापा उठो, किचकंडी इधर ही आ रही है। बेटा मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। बाप के कई बार बोलने पर बेटा वहाँ से भाग जाता है और इधर किचकंडी उस व्यक्ति के पास आ जाती है। किचकंडी मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। किचकंडी की बात वह शख्स समझ नहीं पाता है। किचकंडी तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। किचकंडी का जवाब नहीं मिलने पर वह उस व्यक्ति को मार देती है। अरे भाइयों, सभी लोग कहाँ भागे जा रहे हो? अरे आपको पता नहीं, कल रात नहर के पास किचकंडी ने एक व्यक्ति को मार दिया है। क्या? हे भगवान, ये सब कब तक चलेगा? मरे हुए व्यक्ति को देखने के लिए सभी गांव वाले नहर के पास इकट्ठा होने लगते हैं। सभी लोग देखते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का बेटा वहीं बैठकर रो रहा है। तभी एक व्यक्ति को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुम सब कब समझोगे, भूत ऊट कुछ नहीं होता है, ये सब किसी इंसान का काम है। बेटा तुम नहीं समझोगे,
और ना कभी मानोगे, क्योंकि तुम तो साइंटिस्ट हो ना, इसीलिए भूतों पर विश्वास नहीं है। लेकिन सच यही है कि हमारे गांव में किचकंडी है और वह सभी लोगों को एक एक करके मार रही है। अगर ऐसी बात है तो किचकंडी हम सभी गांव वालों को क्यों मार रही है? उस व्यक्ति के सवाल का किसी के पास जवाब नहीं होता है। तभी कुछ लोग देखते हैं मुच्छर सिंह इधर ही आ रहे हैं। अरे वहाँ देखो, मुच्छर सिंह आ गए हैं और उनके साथ दो लोग भी हैं। गुप्ता जी, हमारा गांव आ गया है। गुप्ता जी, यह गांव कितना सुंदर है। हाँ मिश्रा जी, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चाचा, आप बाबा से मिले कि नहीं? हाँ मैं मिला, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मुच्छर सिंह के पूछने पर वह व्यक्ति बताता है कि किचकंडी ने फिर से एक और व्यक्ति की जान ले ली है। तुम सब घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ किसी की भी जान नहीं जाएगी। चाचा, ये दोनों कौन है? ये गुप्ता जी और मिश्रा जी है। इन दोनों को बाबा ने यहाँ भेजा है, इसलिए अब घबराओ नहीं, किचकंडी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी किचकंडी के बारे में गांव वालों से पूछने लगते हैं। तभी मिश्रा जी देखते हैं कि कोई छिपकर उन दोनों पर नजर बनाए हुए रखा है। गुप्ता जी, हम दोनों पर एक व्यक्ति नजर बनाए रखा है, मुझे उस पर शक हो रहा है। मिश्रा जी के बताने पर गुप्ता जी उस व्यक्ति को देखते हैं और उसके तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति देखता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके तरफ आ रहे हैं, तो वह तुरंत वहां से भागने लगता है। गुप्ता जी, वह व्यक्ति भाग रहा है। हाँ मिश्रा जी, चलिए जल्दी से उसे पकड़ते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वह अनजान व्यक्ति तेजी से भाग जाता है। गुप्ता जी, वह व्यक्ति तो हमसे बचकर भाग गया, लेकिन वह हमारी बातें छिपकर क्यों सुन रहा था? और जब हम दोनों उसके पास जाने लगे तो वह यहाँ से क्यों भागा? पता नहीं मिश्रा जी, लेकिन मुझे शक है कि यहाँ कुछ तो बड़ा हो रहा है जो हमें पता नहीं है। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मिश्रा जी, क्यों ना आज रात हम दोनों मिलकर पूरे गांव में घूमें और पता करें कि किचकंडी गांव वालों को क्यों मार रही है। गुप्ता जी थोड़ा संभल के, क्योंकि जिसने भी किचकंडी को सामने से देखा है वह बचा नहीं है। अरे मिश्रा जी, तुम घबराते क्यों हो? बाबा ने हमें चमत्कारी हथियार दिया है ना, हमें कुछ नहीं होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी मुच्छर सिंह वहाँ आ जाता है और गुप्ता जी मिश्रा जी को अपने साथ घर ले जाने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी मुच्छर सिंह का घर जा रहे होते हैं, तभी एक पागल वहाँ आ जाता है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया भाइयों, मुझे मिल गया। अरे तुम्हें क्या मिल गया? मुझे मिल गया, मुझे मिल गया खजाना, मुझे मिल गया। खजाना? कैसा खजाना? मिश्रा जी, ये पागल है, जब भी किसी नए आदमी को गांव में देखता है तो वह ऐसे ही करता है। अब चलिए घर। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से मुच्छर सिंह का घर जाने लगते हैं। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, किचकंडी तुम दोनों को मार डालेगी, खजाना मुझे मिल गया। कुछ समय के बाद रात हो जाती है और सभी गांव वाले अपने अपने घर में सो जाते हैं। मिश्रा जी, रात हो गई है, अब चलो पूरे गांव में घूमते हैं और देखते हैं कि किचकंडी कैसी दिखती है। गुप्ता जी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किचकंडी हमें मार ना दे। अरे मिश्रा जी, तुम घबराते क्यों हो? मैं हूँ ना साथ में। गुप्ता जी के हौसला देने पर मिश्रा जी राजी हो जाता है और दोनों साथ मिलकर पूरे गांव का चक्कर लगाने लगते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी गुप्ता जी और मिश्रा जी को कहीं भी किचकंडी दिखाई नहीं पड़ती है। मिश्रा जी, काफी समय हो गया लेकिन किचकंडी हमें दिखाई नहीं दी, जबकि गांव वाले का कहना है कि किचकंडी रात के समय गांव में घूमती रहती है। गुप्ता जी, अच्छा तो है किचकंडी नहीं आई, वरना मेरा हालत खराब हो जाता।
अरे मिश्रा जी, तुम भूल गए क्या हमें बाबा यहाँ क्यों भेजे हैं? गुप्ता जी, मुझे सब याद है, लेकिन किचकंडी से मुझे बहुत डर लग रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात करते करते गांव का चक्कर लगा रहे होते हैं, तभी दोनों को किचकंडी की हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, किचकंडी आ गई, भागिए यहाँ से। अरे रुको मिश्रा जी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये हंसने की आवाज किचकंडी की है? भाग जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। गुप्ता जी, अब तो भरोसा हो गया ना, चलिए यहाँ से वरना मारे जाएंगे। मिश्रा जी गुप्ता जी को वापस चलने को कहते हैं, लेकिन तभी दोनों देखते हैं कि एक बाइक उन दोनों की तरफ आ रही है और उस पर कोई भी बैठा नहीं है। गुप्ता जी, वो बाइक तो अपने आप चल रही है और हमारी तरफ भी आ रही है, मतलब यह बाइक किचकंडी चला रही है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, देखो अब कैसे इस बाइक का बुरा हाल करता हूँ। जैसे ही बाइक गुप्ता जी के नजदीक पहुँचता है, तभी गुप्ता जी अपने हथियार से उस पर हमला करते हैं। गुप्ता जी के हमला से बाइक दूर जाकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। मिश्रा जी देखो किचकंडी का बाइक कैसे जल रहा है। गुप्ता जी, ये आपने क्या कर दिया, अब पक्का किचकंडी हम दोनों को मार डालेगी। तुम दोनों बचोगे नहीं, तुमने बाइक पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ओ किचकंडी, छिप कर धमकी क्यों दे रही हो, हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। गुप्ता जी के बोलने के बाद किचकंडी गुस्सा से लाल हो जाती है। गुप्ता जी, वहाँ आगे देखिए किचकंडी आ गई। मिश्रा जी, अच्छा हुआ किचकंडी आ गई, अब इसे मार कर गाँव को किचकंडी से मुक्त कर दूंगा। मिश्रा जी गुप्ता जी को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन गुप्ता जी आगे बढ़ते हैं। किचकंडी, इस गाँव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सबको एक एक करके मार रही हो? मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही बोलोगी। मिश्रा जी, मैंने जो कहा था वो सच हुआ ना? हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा था। क्या तुमने कहा था जो सच हुआ? अभी पता चल जाएगा तुम्हें किचकंडी। मिश्रा जी शुरू करो अपना जलवा दिखाना। हाँ गुप्ता जी। मिश्रा जी तो अभी बहुत डर रहा था, लेकिन अचानक कितना बहादुर कैसे हो गया? किचकंडी, मिश्रा जी डरपोक होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था ऐसा करने को, और अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आने वाली है। गुप्ता जी और मिश्रा जी किचकंडी के नजदीक जाने लगते हैं। भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मरोगी तो तुम किचकंडी, हम दोनों नहीं। अरे मैं भूतनी हूँ, यहाँ से भाग जाओ तुम दोनों। अरे किचकंडी, हमें पता है तुम कोई भूतनी वूतनी नहीं हो। मिश्रा जी अपने हाथ से ही किचकंडी पर हमला करते हैं, तो वह दूर गिर जाती है। तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया, अब तुम्हें मरना ही होगा। किचकंडी अपने तलवार से गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ती ही है, तभी गुप्ता जी अपने हथियार से किचकंडी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद किचकंडी घायल हो जाती है। गुप्ता जी, इस बार तो बहुत आसानी से हम दोनों जीत गए। हाँ मिश्रा जी, अब बस सुबह होने का इंतजार है, उसके बाद किचकंडी का डर सबके दिमाग से निकल जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी किचकंडी को पकड़ के एक जगह बांधने के लिए आगे बढ़ते ही है, तभी कोई पीछे से गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला कर देता है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद मिश्रा जी को होश आने लगता है। गुप्ता जी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मिश्रा जी को जैसे ही पूरी तरह होश आता है, तो वह अपने आप को पिंजरे में कैद पाता है। गुप्ता जी उठिए, हम दोनों पिंजरे में कैद हैं। मिश्रा जी के कई बार आवाज लगाने पर गुप्ता जी को होश आ जाता है।
गुप्ता जी, हम दोनों को कौन कैद कर सकता है और हमें पीछे से कौन मारा था? मिश्रा जी, हमें पीछे से मारने वाला कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जिसने हमें मारा है शायद वही हमें कैद किया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर ही रहे थे तभी कोई गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आता है। गुप्ता जी, कोई इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी, ये तो वही है जो हमें गांव में मिला था। हाँ, मैं वही पागल हूँ जिसने तुम्हें कहा था कि किचकंडी तुम्हें मार डालेगी, लेकिन किचकंडी तो तुम्हें मार नहीं पाई, पर मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अरे क्यों तुम हमें मारना चाहते हो पागल? मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं तो पागल होने का नाटक कर रहा हूँ। ओह, मतलब किचकंडी भी तुम्हारा बनाया हुआ है और एक एक करके गांव वासियों को तुम ही मार रहे हो, लेकिन ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? गुप्ता जी, मिश्रा जी, ये सब जानकर क्या करोगे? ऐसे भी तुम दोनों मरने वाले हो। क्या गुप्ता जी, हम दोनों मरने वाले हैं? मिश्रा जी, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। तो बताओ आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? गुप्ता जी, तुम्हें नहीं पता है इस गांव में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं उस खजाना को पाने के लिए सभी गांव के लोगों को मार रहा हूँ। ओह, ये सब सिर्फ खजाना पाने के लिए तुम कर रहे थे, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गुप्ता जी, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि अब तुम दोनों मरने वाले हो। पागल वहाँ एक टाइम बम लगा देता है और वहाँ से जाने लगता है। मिल गया खजाना मुझे मिल गया। गुप्ता जी, वह पागल तो यहाँ बम लगा कर चला गया, यदि 10 मिनट में हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मारे जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी पिंजरा से बाहर निकलने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पिंजरा तोड़ नहीं पाते हैं। तभी मिश्रा जी की नज़र अपने हथियार पर पड़ती है। गुप्ता जी, यदि हमारे पास बाबा का हथियार होता तो हम दोनों आसानी से बाहर निकल आते। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से बाहर निकल आएंगे। कैसे गुप्ता जी? मिश्रा जी, ये देखो मेरे पास क्या है। गुप्ता जी के पास मैग्नेट देखकर मिश्रा जी बहुत खुश हो जाता है। गुप्ता जी तुरंत मैग्नेट की मदद से अपने हथियार को अपनी ओर खींचने लगते हैं। जल्दी गुप्ता जी, हमारे पास बस 2 मिनट बचा है। मैग्नेट की मदद से गुप्ता जी अपने हथियार को ले लेते हैं। मिश्रा जी, अब घबराओ नहीं, हम दोनों बच जाएंगे। हथियार की मदद से गुप्ता जी पिंजरा को तोड़ देते हैं। मिश्रा जी, चलो जल्दी से बाहर। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। गुप्ता जी, हम दोनों बाल बाल बच गए, वरना मारे जाते, लेकिन यह कौन सी जगह है? मिश्रा जी, लगता है हम दोनों जंगल में हैं, हमें जल्द से जल्द गांव जाना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी गांव जाने की कोशिश करते हैं, और उधर पागल का आदमी पूरे गांव में हल्ला कर देता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी मारा गया। अरे भाइयों, गुप्ता जी और मिश्रा जी को किचकंडी ने मार कर खा गयी। क्या ये नहीं हो सकता, गुप्ता जी और मिश्रा जी नहीं मर सकते हैं। ये सच है भाई, इस बार किचकंडी ने उन दोनों को मार कर खा गई और उनकी हड्डी नहर के पास मिली है। मुझे ये बात मुच्छर सिंह को बताना चाहिए। वह व्यक्ति मुच्छर सिंह को बताने के लिए उनका घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही मुच्छर सिंह मिल जाते हैं। चाचा, आपको पता चला गुप्ता जी और मिश्रा जी मारे गए हैं? हाँ, मुझे पता चला है, इसलिए मैं नहर की तरफ जा रहा हूँ। मुच्छर सिंह और वह व्यक्ति नहर के पास जाने लगता है। मुच्छर सिंह नहर के पास देखता है कि वहाँ काफी भीड़ है, और जब नजदीक जाकर देखता है तो 2 कंकाल पड़ा होता है। चाचा, आपने जिसको साथ में लाए थे ना, अब वह भी मारा गया है। किचकंडी किसी को नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। गांव वाले मुच्छर सिंह के चलते ही रुके हुए थे, लेकिन अब मुच्छर सिंह को भी लगने लगा कि गांव छोड़कर जाना ही सबके लिए सही होगा। तो ठीक है,
आज रात होने से पहले हम सब इस गांव को छोड़कर निकल जाएंगे। इधर पागल यह देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब पूरा गांव वाला यहां से जाने को राजी हो जाता है। सभी गांव वाले अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए अपने अपने घर जाने लगते हैं। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी को जंगल से निकलते निकलते शाम हो जाती है। गुप्ता जी वहाँ देखिए, गांव आगे ही है, लेकिन ये क्या, सभी लोग कहीं जा रहे हैं। मिश्रा जी जल्दी चलो, हमें उन्हें रोकना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से नहर के ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने सामने देखकर सभी की बोली बंद हो जाती है। तभी भीड़ से एक आवाज आती है, अरे ये दोनों तो मर गए थे, तो ये फिर यहाँ कैसे आए? अरे भाइयों, ये दोनों कोई भूत तो नहीं बन गए? भूत भूत भूत, भागो सभी लोग वरना मारे जाओगे। सभी गांव वाले गुप्ता जी और मिश्रा जी को भूत समझ लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। गुप्ता जी, ये सभी हम दोनों को भूत क्यों बोल रहे थे? लगता है वो पागल सभी को बताया है कि हम दोनों मर चुके हैं, इसलिए गांव वाले हमें भूत समझ रहे हैं। भागो, गुप्ता जी और मिश्रा जी का भूत आ गया है, हम सब मरने वाले हैं। मुच्छर सिंह को जैसे ही पता चलता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी का भूत सभी ने देखा है, तो वह उन्हें देखने के लिए जाते हैं। मुच्छर सिंह, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, हम दोनों मरे नहीं हैं। गुप्ता जी मुच्छर सिंह को सभी बातें बताते हैं कि यहाँ किचकंडी के भेष में एक इंसान है और उसका मकसद पूरे गाँव को खाली कराना है। हाँ मुच्छर सिंह, आप लोग गांव छोड़कर मत जाइए, वरना वह पागल गांव से खजाना चोरी कर लेगा। खजाना? कौन सा खजाना? मुच्छर सिंह, आपके गांव के जमीन के अंदर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। गुप्ता जी और मिश्रा जी की बात सुनकर मुच्छर सिंह सब समझ जाता है, इसलिए वह यह बात पूरे गांव वालों को बताते हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मेरा भांडा फूट गया है। अपनी जान बचाने के लिए पागल और उसका साथी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अरे वहाँ देखो, पागल और उसके साथी वहाँ से भाग रहे हैं। मिश्रा जी चलिए, उन सभी को पकड़ के किचकंडी का खेल खत्म करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से पागल का पीछा करते हैं और उन सभी को पकड़ लेते हैं। पागल, अब तुम बचोगे नहीं। मुच्छर सिंह बोलिए, इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम इन सभी को एक पिंजरे में कैद कर दो, कल सुबह पुलिस यहाँ आएगी तब इसे लेकर जाएगी। मैंने कहा था ना, भूत ऊत कुछ नहीं होता है, सब इंसान द्वारा बनाया गया है। हाँ हाँ गांव वालों, किचकंडी से हमारा गांव मुक्त हो गया है, इसलिए इसी खुशी में आज रात हम सभी जश्न मनाएंगे। मुच्छर सिंह की बात सुनकर सभी गांव वासियों खुशी से झूमने लगते हैं और जश्न की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता गांव में असली किचकंडी अभी भी है और यह सब छिप कर देख रही है। सभी लोग खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। तभी किचकंडी के हंसने की आवाज सभी को सुनाई पड़ती है। अरे भाइयों, ये डरावनी आवाजें किसकी आ रही है? ये तो किचकंडी की आवाजें हैं। वो देखो सामने। किचकंडी को देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। अरे भागो मत, मुझे लगता है ये कोई इंसान ही है, रुको मैं इसे अभी पकड़ के लाता हूँ। साइंटिस्ट जैसे ही किचकंडी के नजदीक जाता है, तभी किचकंडी बोलती है, अरे तुम क्या बोले जा रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किचकंडी की बात साइंटिस्ट समझता नहीं है, तो वह उसे अपनी शक्ति से जला देती है। असली किचकंडी को अपने सामने देखकर मिश्रा जी बहुत डर जाता है। मिश्रा जी, ये तो असली किचकंडी है। हाँ गुप्ता जी, भागिए जल्दी से वरना किचकंडी हमें जला देगी। किचकंडी से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागते हैं, लेकिन मुच्छर सिंह बूढ़ा होने के कारण वह दौड़ नहीं पाता है, इसलिए मुच्छर सिंह धीरे धीरे ही भागते हैं।
मुच्छर सिंह को धीरे धीरे भागते हुए देख किचकंडी हंसने लगती है और उनके पास जाने लगती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दूर जाकर रुकते हैं और वापस पीछे देखते हैं कि किचकंडी मुच्छर सिंह को मारने के लिए उसके नजदीक जा रही है। मिश्रा जी, हमें मुच्छर सिंह को बचाना होगा वरना किचकंडी उसे मार देगी। वो तो ठीक है गुप्ता जी, लेकिन किचकंडी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मिश्रा जी तुम डरो मत, मैं साथ में हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी गुप्ता जी की बात मान लेता है और उनके साथ मुच्छर सिंह को बचाने के लिए जाने लगता है। किचकंडी को अपने पीछे आता देख मुच्छर सिंह जल्दी जल्दी में नीचे गिर जाता है। मुच्छर सिंह के गिरते ही किचकंडी रुक जाती है और हंसने लगती है। मुझे छोड़ दो किचकंडी, मुझे जाने दो। किचकंडी मुच्छर सिंह की बात नहीं मानती है और वह मुच्छर सिंह के समीप आ जाती है। तुम क्या बोल रही हो किचकंडी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किचकंडी की बात मुच्छर सिंह समझ नहीं पाता है, इसलिए किचकंडी को बहुत गुस्सा आने लगता है। किचकंडी के दोबारा बोलने पर भी मुच्छर सिंह को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए किचकंडी उसे मारने वाली होती ही है। लेकिन तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ किचकंडी, मुच्छर सिंह को मत मारो। गुप्ता जी के बोलने पर किचकंडी रुक जाती है और वही सवाल गुप्ता जी से भी पूछती है। गुप्ता जी भी समझ नहीं पाते हैं कि किचकंडी क्या बोल रही है, इसलिए किचकंडी गुप्ता जी पर हमला करती है। किचकंडी के हमला से गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। मिश्रा जी तुम मुच्छर सिंह को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इससे पीछा छोड़ा कर आता हूँ। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी तुरंत मुच्छर सिंह को वहाँ से ले जाने लगते हैं। इधर गुप्ता जी अपने हथियार से किचकंडी पर हमला करते हैं, लेकिन किचकंडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या, मेरा हथियार से इसे कुछ नहीं हुआ। गुप्ता जी के वार करने पर किचकंडी को बहुत गुस्सा आ जाता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा। किचकंडी जैसे ही फिर से गुप्ता जी पर हमला करती है, तभी गुप्ता जी अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। तुम्हें बचाना। किचकंडी गुप्ता जी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। अरे किचकंडी तू मेरा पीछा करने लगी, अब मैं क्या करूँ। किचकंडी से बचने के लिए गुप्ता जी तेजी से भागते हैं और एक घर के पीछे छिप जाते हैं। छोटो मानुष से किचकंडी गुप्ता जी को ढूंढते रहती है, लेकिन गुप्ता जी नजर नहीं आते हैं। गुप्ता जी के नहीं मिलने पर किचकंडी वापस जाने लगती है, लेकिन तभी किचकंडी मिश्रा जी को देख लेती है। तुम्हें बचाना। किचकंडी मिश्रा जी और मुच्छर सिंह को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन जब गुप्ता जी देखते हैं कि किचकंडी पीछे से मिश्रा जी पर हमला करने के लिए जा रही है, तो गुप्ता जी किचकंडी को पुकारते हैं। ओए किचकंडी, मैं यहाँ हूँ, तुम उधर कहाँ जा रही हो। गुप्ता जी को देखकर किचकंडी वापस से गुप्ता जी का पीछा करने लगती है। ओह नो, अब मैं अपने आप को किचकंडी से कैसे बचाऊं। गुप्ता जी को कुछ समझ नहीं आता है कि किचकंडी से कैसे बचे, लेकिन तभी गुप्ता जी देखते हैं कि मिश्रा जी आगे से कुछ इशारा दे रहे हैं। मिश्रा जी का इशारा देने पर गुप्ता जी समझ जाते हैं और वह मिश्रा जी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही गुप्ता जी मिश्रा जी के पास पहुँचते हैं, तभी मिश्रा जी वहाँ धुआं कर देता है। धुआं की वजह से किचकंडी गुप्ता जी और मिश्रा जी को देख नहीं पाती है और वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। तुम्हें बचाना। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैंने कहा था ना, हमारे गांव में किचकंडी है। हाँ मुच्छर सिंह, लेकिन वह तो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ गुप्ता जी, हमारा हथियार से भी किचकंडी को कुछ नहीं हुआ। गुप्ता जी, किचकंडी का अंत अब कैसे होगा। मुच्छर सिंह आप घबराइए नहीं, आज रात किचकंडी का अंत होकर रहेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या गुप्ता जी,
यही कि किचकंडी बार बार एक ही बात बोलती है, आमा के मेरे छे तारा नाम बोल। हाँ गुप्ता जी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे समझ आ गया। क्या समझ में आ गया? यही कि किचकंडी क्या बोलती है। क्या बोलती है किचकंडी, हमें जल्दी से बताओ। आप लोगों ने जो अभी बोला वह भाषा बंगाली है, और उसका मतलब वह बोलना चाहती है कि मुझे किसने मारा और उसका नाम बोलो। क्या मतलब, किसी ने उसे मारा है और उसे पता भी नहीं है किसने उसको मारा है? हाँ गुप्ता जी, उसके कहने का मतलब तो यही है। मिश्रा जी, मैं बाबा के पास जाता हूँ और उन्हें बताऊंगा किचकंडी के बारे में, तो शायद बाबा अपने ध्यान से पता लगा पाएंगे कि आखिर किचकंडी को किसने मारा था। गुप्ता जी, आप बाबा के पास जाएंगे और मैं अकेला यहाँ रहूँगा तो किचकंडी मुझे मार डालेगी। अरे मिश्रा जी, तुम घबराओ मत, रात होने से पहले मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा। मिश्रा जी गुप्ता जी की बात मान लेते हैं और उन्हें जाने को कहते हैं। गुप्ता जी के जाने के बाद मुच्छर सिंह भी वहाँ से चले जाता है। मैं तो यहाँ अकेला हो गया हूँ, चलो जाकर देखते हैं कि पागल कैद में क्या कर रहा है, और उसे पुलिस के हवाले भी तो करना है। मिश्रा जी पागल को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पागल कैद में नहीं है। ये क्या, पागल और उनके साथी यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहीं पागल का कोई और तो साथी नहीं है जो पिंजरा को खोल दिया। मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर पागल का एक और साथी कौन हो सकता है, इसलिए वह गुप्ता जी के आने का वेट करने लगता है। उधर गुप्ता जी बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं और पूरा बात बाबा को बताते हैं। गुप्ता जी, मैं अपने तप की सिद्धि से अभी पता लगाता हूँ। कुछ ही समय में बाबा को सब कुछ पता चल जाता है कि किचकंडी को किसने मारा था। गुप्ता जी, मिश्रा जी कहाँ है? बाबा, मिश्रा जी तो गांव में ही है, लेकिन अचानक आप इतना परेशान क्यों हो गए? गुप्ता जी, मिश्रा जी का जान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द गांव पहुंचना होगा, नहीं तो मिश्रा जी मारा जाएगा। क्या, लेकिन कौन मिश्रा जी को मार सकता है? कहीं वो किचकंडी तो नहीं? नहीं गुप्ता जी, वो किचकंडी नहीं है, बल्कि किचकंडी को मारने वाला ही मिश्रा जी को मारना चाहता है, इसलिए चलो जल्दी से गांव। गुप्ता जी और बाबा जल्दी से गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर गांव में पागल और उसके सभी साथी एक घर में छिपे होते हैं। हाँ सिंह साहब, इस बार मिश्रा जी बचेगा नहीं, पिछली बार तो बच गया था, लेकिन आज रात मिश्रा जी का अंत हो जाएगा। मिश्रा जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मुच्छर सिंह, अच्छा हुआ आप आ गए, वहाँ देखिए पागल और उसका साथी कैद से बाहर हो गया है। ये कैसे हो गया मिश्रा जी, पागल और उसके साथी बाहर कैसे निकल गए? मुझे नहीं पता मुच्छर सिंह, लेकिन मुझे शक है कि पागल का कोई और भी साथी है जो उसकी मदद किया है। हो सकता है मिश्रा जी, लेकिन अब चलो मेरे घर, वहीं आराम करना जब तक गुप्ता जी वापस ना आ जाए। मुच्छर सिंह मिश्रा जी को अपने साथ घर ले जाने लगता है। इधर पागल छिपकर मिश्रा जी पर नजर बनाए रखता है। मिश्रा जी, तुम यहाँ आराम करो, तब तक मैं बाहर से आता हूँ। ठीक है मुच्छर सिंह, मैं यहीं आराम करता हूँ। मिश्रा जी वहीं बिस्तर में लेट जाते हैं और सो जाते हैं। हाँ सिंह साहब, शाम होते ही मिश्रा जी का अंत हो जाएगा। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। शाम होते ही पागल और उसके साथी मुच्छर सिंह के घर में घुस जाता है। मिश्रा जी तुम्हें मरना होगा, और उसके बाद गुप्ता जी को। पागल जैसे ही मिश्रा जी का सर काटने के लिए हमला करने वाला होता ही है, तभी मिश्रा जी की नींद टूट जाती है। मिश्रा जी का जैसे आंख खुलता है तो वह पागल को अपने सामने देख कर चौंक जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत भागता है। अरे मिश्रा जी कहाँ गायब हो गया? मिश्रा जी तो यहाँ से भाग गया। अरे पागल, तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जल्दी से उसे पकड़ो। पागल और उसके साथी मिश्रा जी का पीछा करने लगते हैं। अरे पागल, तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कई सालों का मेहनत बर्बाद कर दिया है, इसलिए आज तुम बचोगे नहीं। मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए गांव में भागते रहते हैं, तभी आगे मुच्छर सिंह दिखाई पड़ता है।
मुच्छर सिंह भागिए पागल हमें मार डालेगा। मिश्रा जी रुक जाओ, मेरे पास हथियार है, इन सभी को अभी सही करता हूँ। मुच्छर सिंह के बोलने के बाद मिश्रा जी के अंदर जोश आ जाता है। अरे पागल क्यों रुक गए, हिम्मत है तो मुझे टच करके देखो। मिश्रा जी की बात सुनकर पागल और उसके साथी हंसने लगते हैं। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मिश्रा जी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? नहीं मिश्रा जी, तुम गलत सोच रहे हो। तो कौन मुझे मारना चाहता है? मिश्रा जी तुम अपने पीछे मुड़कर देखो, तुम सब समझ जाओगे। मिश्रा जी जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, तभी मुच्छर सिंह अपने हथियार से मिश्रा जी पर हमला कर देता है। मुच्छर सिंह! मुच्छर सिंह के वार से मिश्रा जी घायल होकर बेहोश हो जाता है। अरे पागल, जल्दी से इसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले जाओ, वरना किचकंडी यहाँ आ जाएगी। जी सिंह साहब। पागल जैसे ही मिश्रा जी को उठाने वाला होता ही है, तभी वहाँ किचकंडी आ जाती है। अरे भागो यहाँ से, किचकंडी आ गई। किचकंडी को देखकर मुच्छर सिंह भी घबरा जाता है। किचकंडी धीरे धीरे मुच्छर सिंह के पास जाने लगती है। अरे पागलो, मुझे बचाओ किचकंडी से। पागल मुच्छर सिंह को बचाने के लिए नहीं जाता है, बल्कि पीछे से खड़ा होकर देखता है। अरे पागल, मैं तुम दोनों का बॉस हूँ, मुझे बचाओ। सिंह साहब, यदि मैं आपको बचाने गया तो किचकंडी मुझे मार देगी। पागल, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो तुम मरोगे। किचकंडी, तुम्हें मारने वाला वो पागल है। किचकंडी पागल को मारने के लिए उसके तरफ जाने लगती है। तुम्हें बच भी नहीं। किचकंडी, मैंने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि मुच्छर सिंह ने तुम्हें पीछे से मारा था। पागल की बात सुनकर किचकंडी आग बबूला हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। किचकंडी के वार से पागल मर जाता है और अब मुच्छर सिंह को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। किचकंडी मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। किचकंडी मुच्छर सिंह का बात नहीं मानती है और उस पर हमला करने वाली होती ही है, तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। किचकंडी रुक जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मुच्छर सिंह को मारने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। बच्चा का बात सुनकर किचकंडी रुक जाती है। हमार बच्चा की बेमचे आचे। हाँ किचकंडी, तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा है। बच्चा? ये बच्चा अब कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा, कि आखिर इस गांव में हुआ क्या था। गुप्ता जी, इसके बारे में मुच्छर सिंह तुम्हें बताएगा। चलो बताओ मुच्छर सिंह, इस गांव की पूरी कहानी। बाबा, आज से 5 साल पहले मुझे पता चला कि इस गांव में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, इसलिए मैं इस गांव में सबके साथ घुलने मिलने लगा। जब सभी गांव वाले मुझ पर भरोसा करने लगे थे, तो मैं पूरे गांव में किचकंडी का अफवाह फैला दिया, ताकि कोई भी रात में बाहर ना निकले। लेकिन कुछ लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने निश्चय किया कि रात में मेरा बनाया हुआ किचकंडी गांव में घूमेगी, और जो भी रात में निकलता, किचकंडी उसे मार देती थी। कई लोग मरने लगे तो गांव में सभी लोग डर गए और रात में निकलना बंद कर दिए, जिसके बाद मेरा काम रात में बहुत आसानी से होने लगा था।
लेकिन कुछ दिनों बाद बाहर से कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, जिसमें एक बंगाली औरत को हमारे काम के बारे में पता चल गया था। इसलिए मैंने उसके बच्चे को पकड़ लिया और उस औरत को पीछे से मार दिया। मुझे लगा अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन उस औरत की आत्मा किचकंडी बनकर सबको मारने लगी, जिसके बाद मेरा काम रुक गया था। इसलिए मैं आपके पास गया था बाबा, ताकि किचकंडी का अंत हो जाए और मेरा काम फिर से शुरू हो जाए। लेकिन गुप्ता जी और मिश्रा जी की चालाकी से हमारा राज खुल गया और सबको खजाना का पता लग गया। इसलिए मैंने ही पागल को बोला था गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार दे। मुच्छर सिंह, तुमने बहुत गलत किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो गुप्ता जी। मुच्छर सिंह, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर माफी मांगना है तो किचकंडी से मांगो। मुच्छर सिंह किचकंडी से माफी मांगता है, लेकिन किचकंडी उसे माफ नहीं करती है। तुम ही बचपन नहीं, नहीं प्लीज माफ कर दो। किचकंडी, तुम्हें मारने वाला अब मारा गया है और अब तुम्हारी आत्मा को शांति देने का समय आ गया है। बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं और वहाँ एक बच्चा आ जाता है। अपना बच्चा को देखकर किचकंडी का मन हल्का होने लगता है और तभी मिश्रा जी को भी होश आ जाता है। होश आते ही मिश्रा जी जैसे ही किचकंडी को अपने सामने देखता है तो वह घबरा जाता है। बाबा हमें बचा लीजिए, किचकंडी हमें मार देगी। मिश्रा जी घबराओ नहीं, तुम तो जंगली सुअर हो, तुम्हें कौन मार सकता है। गुप्ता जी बाबा मुझे जंगली सुअर बोल रहे हैं। अरे मिश्रा जी, बाबा तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। वहाँ आगे देखिए, बच्चे से मिलकर किचकंडी की आत्मा को शांति मिलने लगती है। गुप्ता जी ये बच्चा कौन है और किचकंडी कहाँ गायब हो गई? मिश्रा जी वो अब चली गई है, चलो अब हमें भी अपना घर जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार किचकंडी का मकसद पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।